नमस्कार, एबी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते खास खबर की ओर। अलीगढ़ नगर सफाई मजदूर संघ सफाई संघ आपको अवगत कराता है, सरकार द्वारा माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा प्रदेश के समस्त सफाई कर्मी के लिए 5 बजे सफाई के लिए जाने हेतु आदेश जारी किए हैं। पूर्व में रही सरकार के पुरुष के लिए 7 बजे और महिलाओं के लिए 8 बजे जाने के आदेश हैं, परंतु 5 बजे सफाई पर जाने के लिए सफाई कर्मचारी को वर्तमान सरकार ने आदेश दिए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि महिला के घर में ना होने के कारण बच्चे स्कूल जाने के लिए रह जाएंगे, परंतु सरकार हमारी कास्ट को ऊपर बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती है। सरकार पर आरोप लगाते हुए सफाई कर्मी अध्यक्ष प्रदीप भंडारी का कहना है, सरकार नहीं चाहती हमारे बच्चे ऊँची कास्ट के बराबर में बैठे। अलीगढ़ से तुषार शर्मा की रिपोर्ट। हमारा धरना सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के चल रहा है, नगर विकास मंत्री के विरोध में चल रहा है, भाजपा सरकार के विरोध में हमारा धरना चल रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार के नगर विकास मंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों के लिए 5 बजे ड्यूटी पर तैनात करने का काम किया है। जो महिलाएं हमारी सफाई कर्मचारी हैं, अगर 5 बजे हम सुबह ड्यूटी पर जाएंगे, हमारी महिलाएं जाएंगी, हमारी बहन बेटियां ड्यूटी पर जाएंगी, तो हम अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दिला पाएंगे, स्कूलों में कैसे भेज पाएंगे। इस विरोध में हमने यहां अलीगढ़ नगर निगम के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जिला कलेक्टर हम डीएम साहब द्वारा राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे, जो हमारा 1 बजे का समय है, हम ज्ञापन देने भी जाएंगे। संविदा कर्मचारी वर्षों से कर्मचारी संविदा पर है, उनको स्थायी नहीं किया गया है। 8 आउटसोर्सिंग हुए, 29 रुपये बढ़ाकर ऐसा न जाने कितना बड़ा उन्होंने किया, उपकार किया हम सफाई कर्मचारी पे। उत्तराखंड के अंदर 500 रुपये प्रत्येक कर्मचारी को मिल रहा है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम मांग करते हैं प्रदेश सरकार से, और 2 लाख प्रदेश के अंदर स्थायी सफाई कर्मचारियों की वाल्मीकि समाज से भर्ती चाहते हैं। ये हमारी डिमांड है, मांगे हैं, प्रदेश सरकार हमारी इस बातों को मांगों को माने, और अगर नहीं मानती है तो प्रदेश स्तर पर हम रणनीति तय कर रहे हैं, और जल्द ही सरकार के खिलाफ फिर हमें आना पड़ेगा सड़कों पर। नगर निगम के सफाई कर्मी जो हैं, उनका जो एसोसिएशन है, उसके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि शासन द्वारा जो 7 बजे से सफाई व्यवस्था शहरों में लागू थी, उसको संभवतः 5 बजे से कर दिया गया है। इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। उसमें कुछ और भी मांगे इनकी हैं, जो संविदा पर कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए, और जो आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी हैं उनको संविदा पर किया जाए, और कुछ बिंदुओं पर मांगे हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन जो यथाशीघ्र पहुँचा दिया जाएगा। सर, किसको संबोधित ज्ञापन है और विशेष मांग क्या है? मांग उन्होंने बता दिया है, संबोधित ज्ञापन ये माननीय राज्यपाल महोदय को है, द्वारा जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन आवश्यक कार्रवाई के लिए पहुँचा दिया।